हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि ब्लॉग्स में। मेरा नाम है पंकज नेगी और स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि ब्लॉग्स में। तो आजकल मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है पहाड़ में, क्योंकि मानसून जाने वाला है और इसके बाद हल्की फुल्की धूप लगी रहती है और उसके बाद अच्छा खासा मौसम बन जाता है। तो दिखाता हूँ मैं आपको सामने क्या खूबसूरत पहाड़ियाँ दिख रही है। जैसे कि हर जगह कृषि का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन अब लोग कृषि को छोड़ रहे हैं और इसी के साथ बहुत ही अब कृषि में उत्पादन क्षमता भी कम हो गई है और लोग कृषि को कम ही कर रहे हैं। तो इसीलिए पहाड़ों में भी कृषि करना एक आसान काम नहीं है। शहरों में तो बहुत सारी मशीनों का हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में मुश्किल हो जाती है बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग करना, क्योंकि इतनी दूर दराज वाले क्षेत्रों में ले जाना संभव नहीं है। तो आज मैं बताता हूँ आपको ऐसी एक मशीन के बारे में जिससे कि पहाड़ों में खेती करना बहुत ही आसान हो गया है और इसको एक खेत से दूसरे खेत तक ले जाना भी बहुत आसान है और आप इसका अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं। और पहाड़ों के लिए तो मैं बेस्ट कहूँगा इस मशीन को। और जैसे कि शहरों में बड़े बड़े खेत, मैदानों में बड़े बड़े खेत होते हैं, उसमें बड़े बड़े ट्रैक्टरों का यूज होता है, वो तो यहाँ यूज़ करना संभव नहीं है। तो इसी के कारण इनका उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है। और इसी के साथ मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें फ़ीचर है, कैसा ये यूज होता है और क्या क्या इसमें दिया गया है और कैसे ये वर्क करता है। तो ये है मिनी ट्रैक्टर पावर टिलर, जिसका यूज किया जाता है खेतों में खोदने के लिए और बहुत ही कारगर मशीन है ये। इस प्रकार की दिखती है ये मशीन। सबसे पहले इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 200 सीसी का इंजन मिलता है और पेट्रोल इंजन है ये। और इसी के साथ यहाँ पे है इसका पेट्रोल टैंक है और ये इसका एयर फिल्टर है और यहाँ से ये ऑपरेट होता है। ये है इसका ऑन ऑफ का बटन। अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो इसमें आपको एक रिवर्स गियर मिलता है, एक सेकेंड गियर मिलता है और एक फर्स्ट गियर मिलता है और एक न्यूट्रल मिलता है। तो इसमें इस प्रकार का आपको ट्रांसमिशन मिलता है। ट्रांसमिशन चेंज आप इस लीवर की मदद से कर सकते हैं। और इसी के साथ इसमें गेज भी दिया है कि आपको कितनी गहरी आपको यहाँ पे खोदना है या कितना गहरा आपको हल लगाना है, तो ये इस गेज की मदद से आप देख सकते हैं। और इसी के साथ ये है यहाँ का एग्जॉस्ट पाइप, यहाँ से ये इसका एग्जॉस्ट पाइप और ये इसका चौक का बटन, जो कि नॉर्मल बाइकों में रहता है हर इंजन में, जो भी जहाँ भी कार्बोरेटर की ज़रूरत होती है, तो जहाँ भी कार्बोरेटर लगा रहता है तो वहाँ चौक की आवश्यकता होती है, क्योंकि कभी ठंडी में ये स्टार्ट नहीं हो पाता है, तो इसके लिए चौक दिया गया है। और ये है पेट्रोल ऑन ऑफ करने का बटन। यूज नहीं कर रहे हो तो आप इसमें पेट्रोल बंद कर सकते हो। और इसी के साथ ये है इसका कूलर, जिससे आप इसको स्टार्टर भी बोल सकते हैं। हम जैसे कि पुराने ज़माने में जनरेटर में होता था, उसी प्रकार से हम इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, इसको खींच के इसको स्टार्ट करना पड़ता है। और ये है इसका एक्सेलरेटर, एच का मतलब है हाई और एल का मतलब है इसमें लो, यानी कि अगर आप स्पीड में चलाना चाहते हो, अच्छी पावर आपको चाहिए, तो आप हाई में यूज करेंगे और नहीं तो लो में यूज करेंगे। ये है इसका क्लच, मतलब आप जब इसको दबाते हो तो ये आगे चलना शुरू कर देगा, मतलब जैसे कि बाइक में होता है तो उससे उल्टा है, जब बाइक में आप क्लच छोड़ते हो तब वो आगे चलना शुरू करती है। तो ये सेफ्टी के लिए दिया गया है, क्योंकि इसमें जो गियर ऑयल पड़ता है वो 1.5 लीटर इसमें गियर ऑयल पड़ता है। और इसी के साथ इंजन ऑयल की बात करें तो 600 ml इसमें इंजन ऑयल जाता है। तो हर 20 घंटे या 30 घंटे में इसकी सर्विस करानी पड़ती है, जिससे कि इसकी लॉन्ग लाइफ हो जाती है। यहाँ पे इसका हैंडल एडजस्ट करने वाला, मतलब आप अपनी हाइट के अनुसार इसके हैंडल को एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ इसमें जो ये पेट्रोल टैंक की कैपेसिटी है वो है लगभग 3 लीटर, 3 लीटर तक का पेट्रोल इसमें आ जाता है। और साइड में देख सकते हैं आप, इसमें 2 यहाँ पे टायर लगे हुए हैं। जो टायर लगे हुए हैं इनको अभी चेंज करना है, क्योंकि इनकी जगह पर लगेगा ब्लेड। और जब भी इधर से उधर आप, मतलब एक जगह से दूसरी जगह इस ट्रैक्टर को ले जाते हो, तो उस टाइम क्या होता है कि ब्लेड की आवश्यकता नहीं होती है, तो उसके लिए टायर दिए गए हैं। और जब आप अपने खेत में इसको यूज करते हो तो उस टाइम टायर को हटा के ब्लेड लगाया जाता है। तो ये जो आपको पिन दिख रही है, इसी को बस हमको निकालना पड़ता है जब हम टायर को हटा के इसमें ब्लेड लगाएंगे। और इसी के साथ सेकेंड पिन यहाँ पर दिया गया है दूसरे टायर के लिए, उसी प्रोसेस से हमको निकालना है जब हम इसमें ब्लेड लगाएंगे। तो दोस्तों, ये है इसके ब्लेड दोनों साइड के, एक है ये और दूसरा है ये। और इसमें भी आपको सेम पोर्शन देखने को मिलेगा, जो ये होल दे रखे हैं इसमें आपको पिन अटैच करनी है और फिर उसके साफ्ट से जोड़ना है। तो इसमें भी सेम आप देख सकते हैं, ये वाला जो होल दिया है इसमें आपको पिन को अटैच करना है। चलो मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि Thank you.
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और इस मिनी ट्रैक्टर से जुड़े हुए कोई भी आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसमें लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।